आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। कोटा से नीट की तैयारी कर रही शिवपुरी की छात्रा का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने उसके पिता के व्हाट्सएप नंबर पर इसकी जानकारी दी, साथ ही लड़की की फोटो भी भेजी। उसमें लड़की के हाथ पैर और मुंह बंधे हुए हैं। छात्रों को छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इस मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द तहकीकात कर हमारी बेटी को वापस लाए। पीड़ित बच्चे के पिता से भी मंत्री सिंधिया ने फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि बेटी को वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है, वह आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। हाँ, कैसे हो आप? मुझे बहुत बहुत दुख हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए। मैं समझ रहा हूँ आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी पत्नी का देखभाल करो और मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहां राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी है। बिल्कुल आप चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ, अपना ख्याल रखना और जो भी बात होगी सीधा मुझे फोन करना और मैं भी आपके संपर्क में रहूंगा। बिल्कुल ठीक। छात्रा के पिता रघुवीर धाकड़ शिवपुरी के बैराड़ थाना क्षेत्र में रहते हैं। कोटा पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस मंगलवार सुबह रघुवीर को कोचिंग इंस्टीट्यूट लेकर गई है। इंस्टीट्यूट ने छात्रा का रजिस्ट्रेशन होने से इनकार किया है। अब पुलिस पिता और इंस्टीट्यूट वालों से आमने सामने बात करेगी। रघुवीर ने पुलिस को बताया कि बेटी को सितंबर 2023 में कोटा छोड़कर गए थे। विज्ञान नगर इलाके में स्थित एक कोचिंग संस्थान में उसका एडमिशन करवाया था। इसी इलाके में उसे रूम भी दिलवाया था। आखिरी बार बेटी दिवाली पर घर आई थी और उससे रोज फोन पर बात होती थी। रविवार रात को भी बेटी की उसकी माँ से बात हुई थी, तब उसने एग्जाम देकर आने की बात कही थी। पीडब्ल्यू कोचिंग के कोटा हेड दिनेश सेन ने बताया कि लड़की के नाम काव्या धाकड़ से कोचिंग में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उधर लड़की के पिता रघुवीर ने कहा कि काव्या का एडमिशन इन्होंने इसी कोचिंग में कराया था, अब कोचिंग संस्थान मना कर रहा है। काव्या टेस्ट देने गई थी, टेस्ट के लिए कोचिंग से मैसेज आया था। इसको लेकर कोचिंग प्रबंधन ने कहा कि कोचिंग से मैसेज नहीं भेजा गया है, कोचिंग संस्थान प्राइवेट नंबर से मैसेज नहीं भेजता है। ऐसे में पूरी घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर हॉस्टल संचालक पारस कुमार ने भी काव्या के अपने यहाँ रुकने की बात से इनकार किया है। उन्होंने साफ कहा कि काव्या नाम की लड़की कभी हॉस्टल आई ही नहीं है। इस मामले में कोटा पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। कोटा शहर एएसपी अमृता दोहान ने बताया कि पुलिस टीमों का गठन किया गया है, मामले की जांच की जा रही है। सोमवार देर रात घरवाले कोटा पहुंचे। सूत्रों के अनुसार जयपुर के सिंधी कैंप से एक युवक को राउंडअप भी किया गया है, उससे पुलिस जानकारी जुटा रही है। इधर शिवपुरी एएसपी अमन सिंह राठौड़ ने मामले में जांच की बात कही है। तो ये था अब तक का अपडेट। हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।